बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और इंजॉय कर रहे हैं। आज तो इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग इमरान खान का जलसा। और माशाल्लाह से मीनार पाकिस्तान में भाई बहुत ज़्यादा कहते हैं लोगों का जो हजूम माशाल्लाह से जमा किया हुआ इन्होंने। चल अच्छी बात है, अगर ये हमारे हमारी आवाम के लिए सिंसियर है, हमारे पाकिस्तान के लिए सिंसियर है, तो अल्लाह पाक इनके लिए आसानी करे और आवाम के लिए भी आसानी करे। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हजूम है, क्योंकि मेरा घर जो है ना मीनार पाकिस्तान के बहुत करीब है, तो हमारा तो ये हिसाब हो रहा है कि यहाँ से जो उन्होंने लाउड स्पीकर्स लगाए हुए ना, उनकी टोटल जो खताब की जो है ना, अभी तो खताब स्टार्ट नहीं किया, इनके जितने मेंबर्स अभी कर रहे हैं खताब, उनकी सारी आवाज़ें जो हमारे घर पे आ रही हैं। तो क्योंकि कवरेज, नेटवर्क कवरेज तो उन्होंने टोटल बंद करवा दी, जितने चैनल्स हैं सबकी कवरेज टोटल बंद हो चुकी है। उन्होंने कहा कोई भी जो है ना लाइव इस चीज़ को, हमारे जलसे को कोई भी चैनल नहीं दिखाएगा। चले हो सकता है कोई इसमें बेहतरी उनके लिए या ऐसी कोई बातें हो सकती हैं, वो बेहतर जानते हैं, तो अल्लाह पाक उनके लिए मुश्किलें भी आसान करे, उनके लिए जो हमारे हम उनके दिल में हमारे लिए जो ना रहम डाल दे कि पाकिस्तानी अवाम है, उनके लिए अगर इतने लोग निकले हैं, मैं ये समझता हूँ अगर उनके लिए इतने लोग निकले हैं तो उनको इमरान खान साहब को इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये बात ये नहीं कहूँगी हमारी ये ना हो कि मैं पीटीआई वालों की मैं बुराई नहीं कर रही, मैं ये सिर्फ चाहती हूँ कि जो भी मेम्बर है हमारा, नवाज शरीफ हो गए जी, देखें जिसकी भी हुकूमत रही आज तक, इतनी महंगाई नहीं हुई, डॉलर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन इनकी हुकूमत ने, इनका ये है कि बंदा सही है, ये बात ये कहूँगी बंदा सही है, इनको जो है ना बस एक क्या कहते हैं एक रास्ता सही लोगों ने दिखाया है कि ये रास्ता है और इस रास्ते से आपने जाके ये काम करना है। मैं मुझे तो ये जहाँ तक ये चीज़ समझ आती है, तो बस ये दुआई कर सकते हैं अल्लाह पाक बेहतरी लाए। रेमेडी के बारे में आपको कहूँगी, आज रेमेडी का दिन था और मैंने आपको कल कहा था कि कॉपी और पेन जो लेके बैठिएगा, क्योंकि आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा ख़ास है और वो बालों के हिसाब से, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ पीछे इसमें वीडियो में, वाला आप वो देखें, उसके बाद मैं अगले वीडियो शूट करूँगी। अच्छा जी, इसको रेमेडी बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी हेयर्स के लिए, इसमें चावल चाहिए आपको, चावल आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको चाहिए मेथी दाना, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेथी दाना का, ये जो है देसी मेथी दाना है, जो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देसी मेथी दाना है, ठीक है। आपने अगर इसे क्वान्टिटी की बात से करें तो हमने एक चम्मच जो हमने लेना है मेथी दाना और दो चम्मच चावल लेके, यानी कि अच्छी तरीके से मिक्सअप किया इसे, और हमने इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी हमने शामिल करके इसको एक रात के लिए हमने भिगो देना, ठीक है। एक रात हमने ये जो मिक्सचर हमने बनाया है ना चावल का और मेथी दाना का, ये हमने एक रात के लिए भिगो के रखना है, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस आपको इंशाल्लाह वीडियो में मैं बताती रहूँगी। ये देखें भिगो दिए मैंने इस तरीके से, ये इस तरीके से इसकी शेप आ गई है। ये देखिए जी, ये मैंने जो सोक किया था ना मेथी दाना और चावल थे इसमें, ठीक है, टू टेबल स्पून जो चावल थे और मेथी दाना था। ये देखें इसकी ये जो ना, अब ये कलर इतना ज़्यादा ये हो चुका है, अब पानी का कलर आप देख ही रहोगे, पानी का कलर टोटल चेंज हो चुका है, ठीक है। और ये मेथी दाना जो है ना, ये देसी है, जो आप एक अमूमन देखते हैं ना मेथी दाना बहुत ज़्यादा ब्राउन शेड में ज़्यादा उसमें साइज़ में होता है, तो ये मेथी दाना देसी है, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं, ठीक है। इसको सबसे पहले हमने जी किसी चीज़ में हमने छानना है, ताकि ये इसका पानी जो अर्क है ना वो निकल जाए, ठीक है। ये निकल गया, अब ये चीज़ ये सिस्टम अलग हो गया। उसके बाद जी इसको हमने एक स्प्रे वाली बोतल ले लें आप, और इसमें ये ऐड करें इसमें, आप बोतल बड़ी भी ले सकते हैं और छोटी भी ले सकते हैं, मेरे पास जो थी वो मैंने उस लिहाज से ली, ठीक है। इसके बाद जी हमने बीच में इसके ऐड करना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये मरहबा कंपनी का है और ज़बरदस्त है। इसमें कैस्टर ऑयल जो आपने लेना है वो एक ढक्कन लेना है, इसी का कैप से एक ढक्कन आपने कैस्टर ऑयल लेके इस वाटर में मिक्स कर देना है, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है, और ये रेमेडी जो है लॉन्ग हेयर्स के लिए मैं बता रही हूँ आपको, ये लॉन्ग हेयर्स के लिए, इसको आपने अच्छी तरीके से शेक करना है। शेक करने के बाद ये होगा कि ये देखें अच्छी तरीके से, ये एक समझे एक सीरम टाइप का आपके पास तैयार हो गया है, ये सीरम टाइप का ये तैयार हो चुका है। ये आप फ्रिज में 1 वीक के लिए भी रख सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ना ही ये कि आप सोच रहे होंगे ये जो पानी हमने रखा हुआ था रात का भर के और ये इसमें से बदबू पैदा हो जाएगी, ऐसी कोई कुछ भी कंडीशन ऐसी नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। चावल जो है, चावल के बेनिफिट्स ये आपको मैं बता दूँ, चावल अगर आप स्किन पे भी यूज़ करेंगे ना, तो चावल जो इसलिए यूज़ होता है, इसके बेनिफिट्स ये हैं
कि स्किन टाइटनिंग के लिए यूज होता है ये, ठीक है। स्किन टाइटनिंग के अलावा स्किन पे यूज करने थे। और बालों के लिए ये होता है, ये बालों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है, बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी करता है। और इसमें जो मैंने कैस्टर ऑयल यूज किया है, कैस्टर ऑयल अगर आपको एक और इसमें टिप, इस वीडियो में एक और टिप ऐड कर रही हूँ, कैस्टर ऑयल का ये फायदा है कि आपका जैसे मस्कारा है, लाइनर वगैरह सूख रहा है, तो उसमें जस्ट वन ड्रॉप आपने कैस्टर ऑयल ऐड कर दें, ठीक है। उससे ये फायदा होगा आपका कि आप जब ये पलकों पे लगाएंगे ना, इससे ये पलकों की लेंथ भी बढ़ेगी आपकी, ठीक है, पलकों की लेंथ भी बढ़ेगी और आपका जो मस्कारा और जो लाइनर सूख रहा है वो कभी भी नहीं सूखेगा, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, जब तक उसके अंदर यानी कि चीज़ें मौजूद होंगी तो ये तब तक चलता रहेगा, ठीक है। अच्छी जब भी आपने ये अप्लाई करना है, ये अच्छी तरीके से शेक करना है। अगर इसको मैं अप्लाई करने का तरीका बताऊँ तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है जी। अगर लगाने का तरीका मैं उसका बताऊँ तो देखिए, बोतल में आपको सामने मैंने ऐड किया था, उसको अच्छी तरीके से शेक करना है आपने, और स्प्रे वाली बोतल है ना ये, तो आपने इसकी जड़ों में लेके इस तरीके से स्प्रे करना है। ये देखो, कोई भी चीज आप यूज करते हैं तो जब तक जड़ें मजबूत नहीं होगी ना, तो बाल कभी भी लंबे नहीं होंगे। ये देखें अच्छी तरीके से, बस आपने जड़ों में अच्छी तरीके से लगा लिया है, और जो है ना बस आपने इस चीज को छोड़ देना है। और ये कि आपको अगर होता है तो सुबह आप ये वॉश कर ले अपने बाल, ठीक है। मैं ये देखिए, मैं खुद भी पर्सनल यही चीजें यूज करती हूँ, तभी माशाल्लाह से बाल मेरे जबरदस्त है। देखिए आपके सामने मैंने यूज कर लिया था, और माशाल्लाह से बालों में जो है ना, इससे कि आपके बालों की शाइन भी बरकरार रही, ठीक है। आप कोई भी शैम्पू वगैरह यूज करें, कोई सोप भी यूज करें, तो इससे बाल आपके कभी भी खराब नहीं होंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से जबरदस्त से इसका रिजल्ट रहेगा, इंशाल्लाह यूज करें। मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपके बालों में कैसा इफेक्ट पड़ा, ठीक है जी। मैंने सारा यूज़ आपको बता दिया है, इसके फायदे बता दिए, और इसको लाजमी आप कंट्रोल करें और डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो ना नेचुरली डली हुई है। और इंशाल्लाह कल की वीडियो जो होगी ओरिफ्लेम प्रोडक्ट ही होगी, और बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है वो भी, उसके बारे में आपको बताऊँगी मैं, और उसको यूज़ करने का तरीका बताऊँगी। थोड़ा सा मेकअप के हवाले से होगी वीडियो, ठीक है, इसका मैं इशारा आपको दे रही हूँ। और उम्मीद करूँगी आप लोग वीडियो को लाजमी पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ क्या, उसके अलावा क्या कहूँ, ये कि बातें ख़त्म हुई माशाल्लाह, इतनी थोड़ी थोड़ी करते करते वीडियो इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।